हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग 12th क्लास के लिए इस लेसन में देखेंगे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं उसमें 8.31 से शुरू करेंगे। 8.30 तक पहले हम लोग देख चुके हैं, तो अब 8.31 में हम लोग शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि यूज हुंस रूल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+ ion एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइन ओनली फार्मूला। तो बात बिल्कुल आसान है, आप जानते हैं कि Ce का जेड यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू 58 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख चुके हैं जेनॉन 4f1 5d1 और 6s2 होता है। तो जब हम कहीं भी आयन का लिखने के पहले उसके जनरल फार्मूला को लिख लेने से आसानी हो जाती है, तो हमने ये लिख लिया जनरल। अब इसमें कह रहा है कि 3+ है यानी 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो लास्ट वाले 3 हट जाएंगे तो बच जाता है केवल जेनॉन 4f1। तो अब इसमें हम लोग स्पाइन ओनली फार्मूला लगाना चाहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, म्यू निकालने के लिए, तो वहाँ पर एन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फार्मूला में आप जानते हैं कि म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू होता है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो एन का वैल्यू 1 हो गया। बाई स्पाइन ओनली फार्मूला वी गेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ce3+ इक्वल टू म्यू इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू, तो इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 1√1 इंटू 1+2 यानी √3, तो √3 का 1.732 bm होगा, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है और bm उसका यूनिट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 8.32 में, तो दे रहा है कि नेम द मेंबर्स ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दोज व्हिच एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Try to correlate this type of behavior with the electronic configurations of these elements. तो अब देखिए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो ये Fe58 और Pr59 में Tb65 में एग्जिस्ट करता है, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट Nd60 में, SM आपका 62 में, EU63 में, TM69 में और YB आपका 17 में करता है। और इसका नाम भी आप ये फॉर्मूला के रूप में सिंपली याद रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसे आप इसको बाय नेम भी याद कर सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल के सीरीज में हम लोग जो नाम देखे हुए हैं, जैसे आपका ND है, नियोडाइमियम है, SM है तो समारियम है, EU है तो यूरोपियम है, TM है तो थुलियम है, और YB है तो इटरबियम है, तो इस तरीके से आप नाम भी बार बार बोल करके याद कर सकते हैं, ऐसे आप सिंबल में लिख देंगे तो काम करता है। अब इसमें जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है, तो ऐसे एलिमेंट्स के साथ पाया जाता है जिनके स्ट्रक्चर में D0 होता है, 5D0 होता है और 6S2 होता है। ऐसा क्यों होता है कि 6D0 जो है तो इस D में है ही नहीं, केवल S में है, तो S में 2 आसानी से निकल जाते हैं और स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। तो जिनका स्ट्रक्चर 5D0 6S2 टाइप का होता है, वो जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। उसी तरीके से तो इजली लो सिमिलरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाई द एलिमेंट्स व्हिच आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड कॉन्फ्यूग्रेशन ऑफ आइदर क्लोज टू 4F0 और 4F7, यानी जो 4F जब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो उसके बाद अगर उनका 4F0 हो जाता है या 4F7 हो जाता है तो उस कंडीशन में उनका चांस ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। एक और इसके बाद है, ये एक है क्वेश्चन कि 8.33 में कि कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड इन रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का एक कंपैरिजन वाला वीडियो ही बना करके दिए हुए हैं, और आप उससे नोट्स तैयार किए होंगे,
तो वही नोट से आप यहाँ पर उन तीनों पैरामीटर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर आप तीनों का दोनों का कंपेरिजन तैयार कर लीजिएगा, तो आपका वो आंसर हो जाएगा 8.33 का। इसके बाद 8.34 में है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर 61, 91, 101 एंड 109। तो इनका हम देखते हैं तो प्रोमेथियम में है, तो प्रोमेथियम का पीएम होता है जिसका 61 होता है, तो उसको लिखते हैं JXC4A55D06H2। वैसे ही पीए है प्रोटेक्टिनियम, तो उसका 91 होता है, तो वो आरएन हो जाएगा रेडॉन 5F26D17H2। इसके बाद इसी तरीके से है 101, तो मेंडलिवियम है 101 का, तो आरएन 5F36D07H2 हो जाएगा, और लास्ट में है आपका ये 109। तो मेटनीरियम का होता है तो एमटी मेटनीरियम और जेडी कोस्ट 109, तो आरएन 5F14 6D7 और 7S2 टाइप का होता है। अब इसके बाद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने का प्रैक्टिस भी किए हैं और कर लीजिएगा, क्योंकि जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, अगर वो क्लियर होगा तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने में या कोई रिस्पॉन्स देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर 8.35 की बात करते हैं, तो इसमें कह रहा है कि कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड सीरीज मेटल्स इन द रेस्पेक्टिव वर्टिकल कॉलम्स गिव ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन इनथैल्पीज एंड एटॉमिक साइजेज, इन्हीं चारों पर इनको कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर है, जैसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, यहाँ आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में द एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम का आप पहले से रूल जानते हैं कि लगभग उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट वाला, लेकिन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं नीचे जब सीरीज में आते हैं, तो इसलिए लिखा गया कि द एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम जनरली हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्दो द फर्स्ट सीरीज हैज टू एक्सेप्शन। जैसे क्रोमियम है तो 3D54S1 होता है, ये 3D44S2 नहीं होता है। उसी तरीके से Cu है तो 3D104S1 हो जाता है, वहाँ पर 3D9 और 4S2 नहीं होता है। उसी तरीके से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज हैं तो उनमें 5 एक्सेप्शन पाए जाते हैं, MO का है 4D55S1 होता है इसी टाइप का, फिर NB का हो जाता है 4D45S1, RH का हो जाता है 4D85S1, PD का हो जाता है 4D105S0 और AG का हो जाता है 4D105S1। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं, बाकी जो हैं लगभग सिमिलर होते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है तो उसमें भी तीन एक्सेप्शन है, W का जैसे 4F14 5D4 6S2 है, फिर PT का है 4F14 5D9 6S1 है, और AU का 4F14 5D10 और 6S1 है। आप देख रहे हैं कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में F कंप्लीट है, D भी कंप्लीट है और S आपका हाफ फील्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के आधार पर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं कि द एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम जनरली शो सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय द एलिमेंट्स इन द मिडिल ऑफ ईच सीरीज इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द एक्सट्रीम एंड, शुरू में और लास्ट में कम और बीच में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, बीच केस में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिडिल में मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट में आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसके थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं। 8.35 के थर्ड में हम देखते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी को, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में यहाँ पर है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी
इन ईच सीरीज जनरली इंक्रीज ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चूँकि लेफ्ट टू राइट जनरली हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक साइज छोटा होते जाता है, और छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आयोनाइजेशन इंथाल्पी का वैल्यू, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथाल्पी का वैल्यू इंक्रीज करते जाता है, लेकिन बीच में एक्सेप्टन व्यय के बीच में थोड़ा सा वो कम हो जाता है, चूँकि आपको साइज में ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो वहाँ पर है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथाल्पीज इन द ईच सीरीज जनरली इंक्रीज ग्रेजुअली ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दो सम एक्सेप्शंस आर ऑब्जर्व इन ईच सीरीज। जैसे द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथाल्पीज ऑफ सम एलिमेंट्स इन द सेकेंड यानी 4D सीरीज आर हायर, व्हाइल सम ऑफ देम हैव लोअर वैल्यू देन द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड सीरीज इन द सेम वर्टिकल कॉलम। यानी सेम वर्टिकल कॉलम में कुछ के 4D के केस में कुछ के ज़्यादा हैं और कुछ के कम हैं। तो द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथाल्पीज ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 5D के लिए ये हायर होते हैं 3D से और 4D से। यानी 5D का आयोनाइजेशन इंथाल्पी फर्स्ट, 3D और 4D दोनों दिशा से हाई होता है, जबकि वहाँ होना चाहिए लो, क्योंकि जनरली जो हम लोग ग्रुप में आते हैं ऊपर से नीचे तो एटॉमिक जनरल ट्रेंड के अनुसार एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो 3D से 4D का कुछ ज़्यादा है, कहीं कहीं एक आध जगह 3D का ज़्यादा है, 4D का कम है एक्सेप्शनली, नहीं तो 3D का कम है उससे ज़्यादा है 3D, माने 3D और 4D में 4D का कहीं 3D से ज़्यादा है कहीं कम है, एक्सेप्शनली है वो। लेकिन 5D में एटॉमिक साइज और बढ़ना चाहिए और उसका आयोनाइजेशन इंथाल्पी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि पाया गया है कि 5D सीरीज के जो आयोनाइजेशन इंथाल्पी हैं तो वो 3D और 4D से ज़्यादा पाया जाता है करस्पॉन्डिंग वर्टिकल कॉलम में। रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि इसमें दिस इज ड्यू टू वीक शील्डिंग न्यूक्लियस ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन, सेफ और वाइटल में भी इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं और उनका वीक शील्डिंग होता है 4F के साथ, इसलिए वहाँ पर आयोनाइजेशन इंथाल्पी में ये चेंज होता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है। यानी 5D आपका हायर होता है जबकि एक्सपेक्टेशन के अनुसार 4D से कम होना चाहिए। एटॉमिक साइज की बात करें तो जनरली आयंस ऑफ द सेम चार्ज और एटम्स इन ए गिवन सीरीज सो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन रेडियस विथ इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, जैसा कि एक्सपेक्टेशन होता है कि एटॉमिक साइज जो है या चार्ज जो है तो ये राइट में हम बढ़ते हैं तो कम होना चाहिए और कम होता भी है, बट ये जो चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, सो दो इट इज क्वाइट स्मॉल, बट द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द 4D सीरीज इज लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज, वेयर एज दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द 5D सीरीज आर नियरली द सेम ऑफ दोज ऑफ 4D सीरीज ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रेक्शन। इसके बारे में आप डिटेल्स पढ़ चुके हैं, जैसे 3D के बाद नीचे आता है 4D, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपका साइज बढ़ना चाहिए। तो 3D से 4D का साइज बड़ा होता है, लेकिन 5D में जब आते हैं 3D के बाद 4D तो कुछ बढ़ा, फिर 4D के बाद नीचे आ गए जब 5D में तो वहाँ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन 5D में बढ़ता नहीं है ज़्यादा साइज, वो लगभग 4D के और 5D के जो वर्टिकल कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनके साइज में कोई अंतर खास नहीं पाया जाता, लगभग सेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसीलिए कि 5D वाले सीरीज में आपका लेंथ एनवायर्ड कॉन्ट्रेक्शन वाला इफेक्ट आपका इफेक्टिव हो जाता है, जिससे साइज को कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइज ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, जो ऑर्बिट के अनुसार एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उसके अनुसार नहीं बढ़ने देता है, वो लगभग सिमिलर रखता है। तो क्यों? ड्यू टू लेंथ एनवाइड कंट्रेक्शन। एक्टिनॉइड में भी जाएंगे तो वहाँ भी यही बात होती है कि एक्टिनॉइड कंट्रेक्शन 6D वाले में आते हैं तो एक्टिनॉइड कंट्रेक्शन हो जाता है, तो वहाँ भी 4D के लगभग सिमिलर ही होता है, तो वो बढ़ता नहीं है। इसके बाद आपका एक
ये 8.35 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 8.36 में दिया है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, Ti2+, Vi2+, ये कुछ आयन दिए गए हैं। इंडिकेट हाउ वुड यू एक्सपेक्ट द 5 3D ऑर्बिटल्स टू बी ऑक्युपाइड फॉर दीज हाइब्रिड हाइड्रेटेड आयंस ऑक्टाहेड्रल। तो चूंकि ये जो आयंस हैं हाइड्रेटेड आयंस हैं तो ये वाटर्स के साथ इनका अट्रैक्शन बहुत कम होता है, और इसमें जो डी ऑर्बिटल्स हैं तो डी ऑर्बिटल्स जब हाइब्रिड फॉर्म में होते हैं ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में होते हैं तो उनका डी ऑर्बिटल का शेप कुछ इस टाइप का हो जाता है, ये दो पार्ट में बंट जाते हैं, ऊपर में दो हो जाते हैं और नीचे में 3 हो जाते हैं। ऊपर वाले को EG से डिनोट करते हैं और नीचे वाले को T2G से डिनोट करते हैं। दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला EG और नीचे वाला T2G। तो T2G जो होता है यानी नीचे वाला जो होता है ये लोअर एनर्जी लेवल वाला होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो हायर एनर्जी यानी डी ऑर्बिटल्स में भी। अब नीचे वाला जो है तो XYYZZX वाला है, और ऊपर में है तो आपका DZ² और DX²ZY² वाला है। तो ऊपर वाला हायर में जाता है, पहले XYYZZX में फिल करते हैं। तो ये आपका लोअर एनर्जी लेवल होता है और ऊपर वाला हायर। तो डी ऑर्बिटल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले हमेशा नीचे में फिल करेंगे 1x1, और उसके बाद फिर ऊपर में 1x1 पुल करेंगे, और जब पूरा नीचे ऊपर 1x1 हो जाता है तो इसके बाद से नीचे से डबल पेयरिंग उसका पेयरिंग शुरू होता है। तो इसमें लोअर एनर्जी नीचे अपर एनर्जी ऊपर, ऐसे याद रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो दिए गए हैं, जैसे Ti2 दिया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में आपका 3D2 मिलेगा। आप कॉन्फ़िगरेशन सबका डिटेल्स में पूरा जान चुके हैं लिखना, आप प्रॉप में कैलकुलेशन करके देखिए। हमने यहाँ पर आंसर को शॉर्ट कम टाइम में लिखने के लिए हमने ऐसा टेबल बना दिया है, इतना ही ज़रूरत है। आप ये कहाँ से आया अगर याद नहीं है तो आप प्रॉप करके देख सकते हैं। तो ये Ti2+ का 3D2 होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में 2 हो गए। अब 2 में आएगा तो इसमें कहाँ बढ़ेगा, ये तो सब हाइड्रेटेड का हाइब्रिड है, अपना डी ऑर्बिटल हाइड्रेटेड वाला जो है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में ऐसे बटा हुआ है, सब में यही बटेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है तो बस हमेशा एक छोटी सी बात याद रखें कि नीचे से भरते जाइए, पहले एक एक भरेंगे नीचे को, उसके बाद ऊपर वाले को एक एक का, तब नीचे से ज़्यादा होगा तो डालेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो सीधे T2G2 लिखते हैं इसको, यानी 2G वाले में T2G वाले में 1, 2 भर गए। इसके बाद यहाँ पर था V2 के लिए, तो 3D3 हो जाता है, 3 इसमें हुआ D में, तो अब यहाँ T2G का 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नीचे वाले में 1, 1, 3 भर गए, ये आपका हो गए। यहाँ पर देखिए 2, 3 में हम इंडिकेट करके बाकी डॉट को दे दिए हैं। इसके बाद वही क्रोमियम 3 में 3D3 होता है तो इसमें भी 3 है तो सेम इसी टाइप का हो जाएगा। इसके बाद MN में 2+ है तो उसमें 3D5 होता है, तो 3D5 होता है क्योंकि 4S2 हट जाता है, तो 3D5 हुआ तो इसमें D में 5 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 5 में कैसे जाएंगे, तो T2G में 3 जाएंगे और EG में 2 जाएंगे, तो यहाँ पर 3 दिखा दिए, 2 ऊपर दिखा दिए। इसके बाद Fe2 में जब आए तो 3D6 आया, तो 3D6 जब आया तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 में से क्या हुआ, क्योंकि 4S2 इसमें से भी निकला हुआ है तो 3D6 4S2 होता है, तो 4S2 निकल गया, 3D6 बचा। तो अब T2G में 4 हो गया, EG में 2 हो गया, तो यहाँ पर 1, 2 पहले 5 हुआ, इसके बाद छठा पेयर यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद Fe3 में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव होगा तो 3D5 हो जाएगा, 3D5 हो गया तो इसमें D के 5 हो गए तो सेम इसी टाइप का, यानी नीचे में 3 और ऊपर में 2, T2G में 3 और EG में 2। और ये बनाइएगा तो हमेशा याद रखें कि T2G पहले भरेगा तब EG भरेगा, T2G 3 वाला है वो नीचे रहेगा और 2 वाला है वो ऊपर रहेगा। इसके बाद कोबाल्ट 2+ का है तो इसमें 3D7 हो जाता है, तो 7 हो गए D के, तो 7 में क्या होगा कि इसमें T2G में 5 भर गए और यहाँ पर 2, कैसे हुआ, तो पहले तो 5 पूरा करेंगे तो 5 के लिए 3 इसमें या 2 इसमें, इसके बाद 2 बच गए तो वो 2 इसी में बढ़ेंगे, यानी ये T2G में 5 हो गए और EG में 2 हो गए। उसी तरीके से
निकेल है, निकेल 2+ का है, 3D8 हो जाता है, तो 3D8 में 8 हैं, तो इसमें अब T2G में 6 हो गए और EG में 2 बच गए। अब इसमें तो ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि सब 3×6 हो गए, तो T2G में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, EG में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो पहले T2 6 हो गया, इसके 2 ऊपर बच गया, इसके बाद Cu2+ है, 3D9 है, तो 3D9 में क्या हो गया, T2G में 6 और EG में 3, यानी नीचे का पूरा पेयर हो गया और ऊपर वाले में यहाँ एक पेयर और एक अनपेयर आपका बच गया। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर डी ऑर्बिटल में कैसे अरेंजमेंट होता है पूरा डिटेल्स में देख लिए, इसको समझ लीजिएगा रिप्ले करके अगर जरूरत पड़े तो। ऐसे कोई बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हैं, डी में काउंट करके लिख दीजिए। अब भरने के लिए इसमें 2 ग्रुप बनाना है, T2G और एक EG, तो पहले T2G में एक एक भरेगा, उसके बाद EG में आएगा, जब दोनों एक एक हो जाएंगे तो अब T2G में फिर से पेयर होना शुरू होगा, इसके बाद बढ़ते जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका 8.37 और 8.38 हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, तो इसी वीडियो में कर लेते हैं, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा। अब 8.37 में देखिए, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पॉसेज मेनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिए, ट्रांजिशन सीरीज जो मिलती है, तो आप 3D पहला ट्रांजिशन सीरीज 3D को बोलते हैं, सेकंड वाला ट्रांजिशन मेटल 3D से ही शुरू होता है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपकी हो गई 3D वाली, फिर 4D वाली सेकंड, 5D वाली थर्ड और 6D वाली फोर्थ हो गई। तो द हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स बिलोंग टू द सेकंड, यानी 3D में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, और 4D ऑनवर्ड्स होते हैं, 4, 5 और 6 में वो हेवियर होते हैं। तो द हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकंड, सेकंड मीन्स 4D, थर्ड मीन्स 5D एंड फोर्थ मीन्स 6D ट्रांजिशन सीरीज। दीज प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द देयर प्रॉपर्टीज देयर प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट सीरीज यानी 3D से। और क्यों, तो 3D के प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, 4, 5, 6 के अलग होते हैं, इसका कारण क्या है, तो देखिए कुछ कारण इसमें दिए गए हैं। एटॉमिक रेडियाई ऑफ हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4D और 5D के जो हैं तो लार्जर होते हैं, और अपने करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D में जो एलिमेंट हैं उनके रिस्पेक्ट में उसी ग्रुप में 4D और 5D के एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होते हैं, और वे और जबकि 4D और 5D में कम बहुत क्लोज होते हैं, 4D से 5D ज़्यादा बार नहीं होता है, वो लगभग सेम होता है, क्योंकि वो लेंथ एंड वाइड कंट्रेक्शन वाली बात आ जाती है उसमें, और 6D में भी एक्टिन वाइड कंट्रेक्शन वाली बात आई तो वो भी वैसे ही होता है। फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो 5D सीरीज की है तो हायर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 3D एंड 4D सीरीज। उसके बाद है कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ 4D एंड 5D सीरीज आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज यानी 3D सीरीज। उसी तरीके से मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट्स ऑफ हेवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी 3D के सीरीज से इनके बॉयलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में इंटर मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है 4D और 5D में वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। तो ये सब कुछ कॉजेज हैं जिनके कारण फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बाकी जो 4D 5D या 6D के हैं उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन पाया जाता है। अब इसके बाद आपका एक है ये 8.38, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। एग्जांपल दिया गया है 3 का, उनका मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को n=1, 2, 3, 4, 5 के लिए निकाल लेते हैं, इसके बाद जो दिया गया है उसे कंपेयर करके तब उसका हम लोग करेंगे। तो n=1 के लिए जब आप निकालेंगे तो 1×1+2 का रूट अंडर यानी √3 तो इतना हो गया, फिर 2 का रखेंगे, 3 का रखेंगे, कैलकुलेशन किया हुआ आप देख लीजिए। अब इसके बाद इसमें जो एग्जांपल दिया गया है कि K4 MnCn6
और 2.2 उसका दिया गया है। तो देखिए 2.2 यहाँ पर हम जब देख रहे हैं इसमें से, तो 2.2 1.73 के ज़्यादा नज़दीक जा रहा है, यानी वो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होनी चाहिए। तो इन दिस कंपाउंड ये आपका सेंट्रल मेटल डेटम माने MN कंपाउंड MN यहाँ पर छूट गया है, MN इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और गिवन वैल्यू जो दिया है उसका 2.2, तो ये क्या बता रहा है कि उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो देयरफॉर व्हेन ये CN जो लिगेंड है तो यहाँ पर इसके साथ मिलना चाहते हैं, अटैच होना चाहते हैं Mn2+ ion के साथ, तो क्या है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो द इलेक्ट्रॉन्स इन 3D पेयर अप, जो 3D में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना हुआ है, वही पेयर अप हो जाता है। तो इस तरीके से साइनाइड जो होता है स्ट्रॉन्ग फेल लिगेंड बन जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन D2 SP3 फॉर्मिंग इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर देखिए जैसे MN है 25 है, तो ये आपका 3D है और ये 4D का है, तो 1, 2, 3 सब अनपेयर्ड है, यहाँ पर 4D पेयर्ड है। जब Mn2+ बनता है तो ये दोनों हट गए, तो अब ये पूरा आपका बना। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखिए इसका S का 1, P का 3 और इसका 2, ये हाइब्रिडाइज होता है। 2 क्यों हाइब्रिडाइज हुआ, तो यहाँ पर 3 तो ये भर चुके हैं, यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके हाइब्रिडाइजेशन में लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल और इसका S और इसका D आपस में लेते हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनता है पूरा, तो D2SP3, तो ये लिखा हुआ है कि D2SP3, यानी D के 2 लेते हैं, S का 1 जो खाली होता है और P का 3 और एक ये अनपेयर्ड रह जाता है, तो यहाँ पर आपका साइनाइड आकर के स्ट्रॉन्ग फिट लिगेंड के रूप में अटैच होता है, और हाइब्रिडाइजेशन आपका ये होता है, तो शेप आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाकी 2 एग्जांपल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में बात करते हैं Fe H2O 6 2+ है, तो इस कंपाउंड में Fe जो है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ +2 है, तो Fe का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, और आपका म्यू का वैल्यू 5.3 BM दिया गया है, तो ये 4 वाले के नज़दीक है, तो दिखाता है कि ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन्स इन 3D डू नॉट पेयर अप व्हेन द लिगेंड्स H2O मोलिक्यूल्स अप्रोच, यानी H2O मोलिक्यूल जब आते हैं तो उसमें 3D के पेयर नहीं होते हैं, तो हेंस H2O इज ए वीक लिगेंड हो गया टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई H2O मोलिक्यूल्स, द हाइब्रिडाइजेशन इज SP3D2, तो हेंस इट विल बी एन आउटर और वाइटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसका देख सकते हैं Fe 26 है, तो ये आपका 3D में 6 हुए और 4 इसमें 2 हो गए, Fe2+ बनता है, तो ये ख़त्म हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें होता है आयन में, तो आपका यहाँ पर ये हो गया 6 ज्यों का त्यों रह गया, और 4S 4P है, ये 4P और 4D का D में से 2 और 3 ये और 1 ये, तो SP ये टोटल कितने हुए, 3 1 2 3 4 5 6, ये 6 चूँकि 6 जुड़ रहा है लिगेंड, तो 6 इसमें हाइब्रिडाइज होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है आपका SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप। अब इसके बाद इसका लास्ट एग्जांपल है K2MnCl4 और 5.9 इसका दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख रहे हैं K2MnCl4 में इन दिस कंपाउंड MN जो है आपका यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Mn2+ में, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो क्लोरीन 4 है, तो 2 इससे बैलेंस होगा और 2 यहाँ बैलेंस होगा, तो MN का +2 आ रहा है। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5.9 BM और हम निकाले हुए थे तो उसमें 5.92 आ रहा था 5 के लिए, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व विल बी SP3 एंड द कॉम्प्लेक्स, चूँकि 4 जोड़ना है तो इसमें तो होगा नहीं, तो SP3 बनेगा, तो द कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल। तो जैसे MN4 का हो गया
ये 5 है और यहाँ पर 2 हैं, तो जब Mn 2 प्लस बनता है तो 2 हट जाते हैं और इसके बाद ये अनपेयर ज्यों के त्यों रह गए, मोर स्टेबल हैं तो। और ये दोनों, ये P के 3 और S के 1, ये मिल करके आपस में sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बना लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने D और F ऑर्बिटल के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को 1 by 1 डिस्कशन कर लिया है और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो उनको वीडियो को रिप्ले करके देखिए, 1 से 2 बार देखने पर इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।